आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम द्वारा हलवाइयों और खाने पीने वाली दुकानों पर छापेमारी की जा रही है, जिससे कि त्योहारों में आम जनता को शुद्ध मिठाई मिल सके। इसी कड़ी में बीते दिनों मोगा के CMO डॉक्टर राजेश आत्री और खाद्य विभाग की टीम ने मशहूर पातीसा बनाने वाली फैक्ट्री में छापेमारी की। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री की गुप्त सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी में करीब 16 क्विंटल मिल्क केक और बर्फी के सैंपल बरामद किए हैं, जिनकी रिपोर्ट सिविल सर्जन दफ्तर मोगा पहुंची है। आपको बता दें कि लिए गए 4 सैंपलों में से 3 सैंपल संदिग्ध पाए गए हैं। वहीं खाद्य विभाग द्वारा इन सैंपलों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। सेहत मंत्री जी के आदेशानुसार 7/11/23 असीं एक इत्थे पतीसा फैक्ट्री दे विच जिहड़ी है ओह असीं चैकिंग कीती सी, जिहदे दौरान असीं 4 सैंपल लए सी। उहनां 'च 2 सैंपल जिहड़े आ मिल्क केक दे सी, खोया बर्फी दा सी, और 1 सैंपल पतीसे दा सी। और सानूं कल 9/11/23 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिन्हां 'च 3 सैंपल जिहड़े आ जिन्हां 'च जिहड़ा सबस्टैंडर्ड पाया गया और पतीसा पतीसे दा सैंपल पास पाया गया। टोटल जिहड़ी असीं सीजर कीतियां सीगियां उनकी क्वांटिटी 1647 किलो सीगी। जिहड़े सारे सैंपल्स ओह तिन्ने आ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1392 ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਲਕ ਕੇਕ, ਔਰ 255 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਇਆ ਬਰਫੀ। ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ DHO ਨੂੰ ਔਰ FSSO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ